नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से राशि जारी कर दी गई है, जिसके तहत विभाग की तरफ से कुल मिलाकर 288,21,73,000 रुपए जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार के महालेखाकार को भी दे दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए विभुक्ति आदेश के अनुसार प्राथमिक निदेशालय की तरफ से सभी जानकारी साझा कर दी गई है। जारी किए गए जानकारी के मुताबिक 38 जिलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग अलग स्वीकृति आदेशों के माध्यम से कुल राशि जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति राशि की निकासी कर NIC से प्राप्त सत्यापित सूची के आधार पर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राजकीय राज्यकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित प्रारंभिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक में नामांकित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए ये राशि जारी की है। राज्य के AISHE समिति के अध्यक्ष सह सचिव शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य में उच्च स्तर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ तभी मिल सकता है जब छात्रों के पढ़ने वाले संस्थानों का पंजीकरण AISHE पोर्टल पर हो और उनके द्वारा प्रतिवर्ष इस सर्वेक्षण में प्रतिभाग किया जा रहा हो। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस योजना से भविष्य में सिर्फ वही महाविद्यालय लाभान्वित हो सकेंगे जो AISHE सर्वेक्षण में भाग लेते रहे हों। इसके अतिरिक्त संस्थानों को NAAC कराने के लिए AISHE सर्वेक्षण में प्रतिभाग कराना आवश्यक है। इस बैठक में राज्य के सभी कुलपति और स्टेट नोडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। इस स्वीकृति राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी और व्यवन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अपर मुख्य सचिव इस योजना का नियंत्रण प्राधिकार होंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।